गाइस रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना का मैच होने वाला है गाइस फिर से क्राउन ज्वेल के अंदर। और गाइस जो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर एक मिस्ट्री मैच है गाइस, उसके अंदर स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं द रॉक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव, आप देख रहे हैं गाइस पावर स्लैम टीवी। सबसे पहले गाइस सर्वाइवर सीरीज के बारे में बात करते हैं। और गाइस जो अगले महीने सर्वाइवर सीरीज होने वाली है गाइस, वो वॉर गेम्स वाली होगी। और गाइस इसके अंदर जो भी मैच के रूमर निकल के आ रहे गाइस, वो है जजमेंट डे वर्सेस कोडी रोड्स, सेमी जेन, केविन ओंस और जे उसो, इन दो टीम का मैच होने वाला है गाइस। अब देखते हैं इसमें कुछ मतलब माल मसाला WWE ऐड करती है नहीं, इसके बारे में यार चैनल पर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, तो होपफुली चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार। इसके बाद गाइज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं गाइज, जो WWE का NXT का एपिसोड था गाइज, वो भी वेडनेसडे को था। और गाइज जो ऑल एलीट रेसलिंग का शो है गाइज, वो भी डायनामाइट वेडनेसडे को था। अब यार ऑल एलीट रेसलिंग को अभी एज ने ज्वाइन किया गाइज, डायनामाइट के शो के ऊपर एज का रिटर्न होने वाला था, मतलब रिटर्न तो हो गया है, वो रेसल वगैरह कुछ स्टोरी लाइन स्टार्ट करने वाले थे। और गाइज WWE को मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि हम इससे हार ना जाए। और गाइज WWE ने बुक कर दिया बहुत ही फेमस सुपरस्टार NXT के ऊपर, जैसे जॉन सीना, कोडी रोड्स। और गाइज की व्यूअरशिप भी निकल के आ चुकी है, जो NXT है गाइस उसने बीट कर दिया यहाँ पे डायनामाइट के एपिसोड को। और NXT को व्यूअरशिप मिली गाइस 8,57,000 व्यूवर्स, और डायनामाइट को मिली 8 लाख, मतलब 57,000 व्यूवरशिप से मतलब NXT जीत चुकी है यहाँ पर यार। बस कुछ ही मतलब व्यूवरशिप का फर्क है यहाँ पे। आपके इसके बारे में क्या कहना गाइस, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। इसके बाद गाइस द डेड मैन अंडरटेकर के बारे में बात करते हैं गाइस। अंडरटेकर अगले हफ्ते होने वाले ऑरलैंडो फ्लोरिडा के अंदर, और गाइस वो NXT के अंदर भी इंक्लूड है, तो देखते हैं यार ट्यूजडे को NXT के अंदर क्या करते हैं हमारे अंडरटेकर। वैसे यार मैच तो रेसल वो करने नहीं वाले, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से रिटायर हो चुके हैं WWE से। अगर मैच रेसल करते यार मतलब पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। इसके बाद गाइस जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस के मैच के बारे में बात करते हैं। और गाइस यहां पर स्पोर्ट्स कीड़ा ने और फाइटफुल ने मतलब सब ने ये कंफर्म कर दिया कि जो जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच है, वो क्राउन ज्वेल में दोबारा से होएगा। अब यार जो क्राउन ज्वेल है यार सऊदी अरेबिया में होता है, वहां पे तगड़े मैच चाहिए ही चाहिए WWE को। और यार मतलब जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच फिर से करवा रही है WWE, अब दोबारा से हारने वाले जॉन सीना रोमन रेंस के हाथों से। पर यार मैं उनको देखना नहीं चाहता हारते हुए, मैं चाहता हूँ यार वो 17-time चैंपियन बन जाए, पर ऐसा WWE हरगिज नहीं होने देगी यार। इसके बाद गाइस द रॉक के बारे में बात करते हैं। गाइस रॉक होने वाले स्पेशल गेस्ट रेफरी एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर। और रोमन रेंस गाइस अभी कोई स्टोरी लाइन स्टार्ट नहीं करेंगे कोडी रोड्स के साथ, मतलब जो एलिमिनेशन चैम्बर में फीचर हो जाएंगे ना अच्छे से, जब वो मैच रेसल करने के लिए रिंग में उतर जाएंगे, तब उनको अपना मिस्ट्री अपोनेंट पता चलेगा, और वो निकल के आएंगे गाइस कोडी रोड्स। और फिर देखते हैं यार क्या होएगा, अगर कोडी रोड्स उसी टाइम चैंपियन बन जाते हैं तो यार बहुत ही शॉकिंग चीज़ हो जाएगी, मतलब रॉक जो है ना अपनी भसड़ कर देंगे मैच के अंदर, और रोमन रेंस हार जाएंगे अपना टाइटल। और गाइस फिर रॉक जो है रॉक बॉटम मार मूर के फिनिश कर देंगे रोमन रेंस को, और फिर रोमन रेंस गाइस स्मैकडाउन के एपिसोड में चैलेंज कर देंगे रॉक को WrestleMania 40 के लिए। और गाइज अगली नाइट पर फिर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होएगा फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब यार ये स्पेकुलेशन ही लगाई जा रही है, अगर ये चीज़ होती है यार मज़ा ही आ जाएगा यार, बिल्कुल ही तगड़े तगड़े मैच जाएंगे रोमन रेंस के, रॉक के और कोडी रोड्स के। आपके इसके बारे में क्या कहना कमेंट करके जरूर बताना यार। हमारा चैनल बस 1K हिट करने वाला, बस 200 या 300 सब्सक्राइबर की कमी रहेगी। गाइज मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर।